हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा समरी लेकर आया हूँ एंड ये स्टोरी जो है मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है, जो आप लोग क्लास 9 के चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो समरी ऑफ लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड इज वन ऑफ द फेमस स्टोरीज ऑफ मुल्कराज आनंद। दिस स्टोरी शोज द वर्किंग ऑफ द चाइल्ड्स माइंड। इट शोज दैट अ चाइल्ड हैज ग्रेटर लव फॉर हिज पेरेंट्स। तो कहता है कि ये लॉस्ट चाइल्ड जो है एक मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया एक फेमस बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है, ठीक है। और जो ये स्टोरी हमें बताता है कि एक वर्किंग ऑफ द चाइल्ड्स माइंड, ठीक है, किस तरीके से एक बच्चे का दिमाग काम करता है। एंड इसमें इस स्टोरी में दिखलाता है कि इट शोज द चाइल्ड हैज़ ग्रेट लव फॉर हिज पेरेंट्स। और इस स्टोरी में हमें ये भी दिखलाता है कि एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के लिए कितना प्यार रखता है अपने दिल में, ठीक है। और इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड गोज टू सी द विलेज फेयर इन द कंपनी ऑफ हिज फादर एंड मदर। ही इज़ अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट थिंग इन द अफेयर। और इस स्टोरी में हमें जानने को मिलेंगे कि एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ एक गांव के मेले में चला जाता है और वहां पे बहुत सारे चीज़ों द्वारा वो आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ही आस्क्स हिज पेरेंट्स अगेन एंड अगेन टू बाई हिम समथिंग और द अदर, ठीक है। और वो बच्चा जो है अपने माता पिता को जो खिलौना वगैरह जो भी चीज़ है वो ख़रीदने के लिए बार बार बोलता है, बट दे डोंट बाय एनीथिंग फॉर हिम। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं खरीद कर देते हैं। बाय चांस द चाइल्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है। और अचानक से वो बच्चा जो है वो भीड़ में खो जाता है, अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। ही रन्स हियर एंड देयर शाउटिंग फॉर हिज पेरेंट। अब जब वो बच्चा खो जाता है तो वो शुरू करते हैं इधर उधर चिल्लाते हुए अपने माता पिता को ढूंढने के लिए। अ काइंड मैन सीज हिम, ही ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड। और उसके बाद एक भला आदमी उसे देखते हैं, उस बच्चा से मिलता है और वो भला एक नेक इंसान उस बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश करता है, ठीक है। ही टेक्स हिम टू डिफरेंट शॉप बट द चाइल्ड गोज ऑन वीपिंग, ठीक है। और वो जिस इंसान ने उस बच्चा को क्या किया है, अपने कस्टडी में रखा है, वो इंसान उस बच्चे को डिफरेंट दुकान पे जाके कुछ खरीद कर देता है, लेकिन वो बच्चा रोता ही रहता है। नाउ ही हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। अभी उस बच्चा को कुछ भी चीज़ों के साथ इंटरेस्ट नहीं है। मीन्स पहले अपने माँ बाप को मेला में बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी वो एक अननोन पर्सन उस इंसान को कुछ खरीद कर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच्चा का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है उस चीज़ों पे। ही ओनली क्राइज आई वॉन्ट मदर आई वॉन्ट माई फादर। और वो बच्चा रोता ही रहता है कि बस मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी पापा चाहिए, इस तरीके से रोता ही रहता है। और इसी तरीके से ये स्टोरी भी ख़त्म होता है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आशा करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।